बच्चों पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसकी आपके पाठ्यपुस्तक के संपूर्ण हमने उदाहरण, कॉन्सेप्ट और प्रश्न बिल्कुल ढंग से हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपने रफ कॉपी में हल करने के बाद फेयर कॉपी में उनको ढंग से सॉल्व कर लिए होंगे, जिस तरह से आपको एग्जाम में उसको प्रस्तुत करना है अपनी भाषा में सॉल्यूशन लिख के। बच्चों इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। अब भाग नंबर 7 में बच्चों पढ़ने वाले हैं आपके विविध प्रश्नमाला के सभी प्रश्न, तो एक बार आप सभी ट्राई करें, क्योंकि कोई अलग कॉन्सेप्ट तो इनमें है नहीं। जो कुछ अलग बातें अगर आपको मिलती है तो फिर आप वीडियो भी देखें आपके संतुष्टिकरण के लिए, और यदि आपका सॉल्यूशन आ भी जाता है और नहीं भी आता, दोनों कंडीशन में आपको वीडियो तो देखना है बच्चों ना। तो आइए पेन को भी लेकर बैठना साथ में। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। बच्चों समांतर चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, ठीक है। शीर्ष ए बी सी, बच्चों तीन शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, चौथे शीर्ष के निर्देशांक इसने छुपा लिए, पूछना चाह रहा है। तो बच्चों बहुत आसान है, देखो मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ ना, कोई चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है। ए के निर्देशांक, बच्चों ए के निर्देशांक देख पा रहे हो 3, -1 और 2 है, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी के निर्देशांक बच्चों हमारे पास 1, -2, -4। बच्चों सी के निर्देशांक हमारे पास -1, -1 और 2। और बच्चों डी के निर्देशांक ये पूछ रहा है, तो हमने क्या मान लिया, x, y, z। अब देखो पहला तरीका, सर हमें पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी निकाल लो दूरी के सूत्र से, सी डी निकाल लो, एक्स वाई जेड में एक समीकरण बन जाएगा, फिर बी सी बराबर ए डी, एक्स वाई जेड में एक और समीकरण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे समीकरण 2 बनेंगे और वेरिएबल बच्चों 3 हो जाएंगे, तो सॉल्व करने में समस्या होगी, बहुत अजीब सी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक बात हमेशा दिमाग में रखो, चाहे हम द्विविमीय पढ़े चाहे त्रिविमीय पढ़े, ठीक है, चाहे 2 डायमेंशनल पढ़े चाहे 3 डायमेंशनल पढ़े, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी सभी बालक नोट डाउन करें, बच्चों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इस बात को लिख लो आप, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित से मतलब जो मध्य बिंदु एसी का होगा वही मध्य बिंदु बच्चों बीडी विकर्ण का होगा, यानी कि सेम पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ओडी बराबर ओबी और ओसी बराबर एसी, एसी का मध्य बिंदु बराबर होगा बीडी के मध्य बिंदु के, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको निकालने का तरीका, तो सबसे पहले काम करो सर, आप एसी का मध्य बिंदु निकाल लो या बीडी का मध्य बिंदु निकाल लो, उसको एसी के मध्य बिंदु के बराबर कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने तुम्हारे को आते हैं बच्चों, बीडी का मध्य बिंदु क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, बीडी का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, एसी के मध्य बिंदु के। अरे बच्चों समझ में आ रही ना बात, तो अब ध्यान से देखो यहां पे ना, बीडी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x+1/2, भाई दोनों x वाले जोड़ेंगे, दूसरा कौन सा है, y+2/2, फिर कौन सा बच्चों, z-4/2, ये बीडी का मध्य बिंदु आ गया। इसको हमें किसके मध्य बिंदु के बराबर करना है, एसी के मध्य बिंदु के बराबर। चलो एसी एसी का निकालो, 3-1/2, ठीक है, फिर क्या है, -1+1, -1+1/2, फिर बच्चों क्या है, 2+2/2, ये लीजिए। अब कंपैरिजन करना है, जब ये दोनों बातें बराबर है तो x वाले को x वाले से कंपेयर करो, y वाले को y वाले से, z वाले को z वाले से, ठीक है। तो कंपैरिजन आप कर लेंगे बच्चों आराम से, इन दोनों को बराबर करो, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, देखो 3-1 2, और 2 में से 1 गया, तो देखो ऐसे करना है इसको ना, x+1/2 = 3-1/2। यहाँ से बच्चों x का मान तुम निकालोगे ना, 2 से 2 कटेगा, 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, x = 1। इस तरह से सारे निर्देशांक हमें निकालना है। पहला आ गया x, y वाला करें कंपेयर, 2 से 2 कट गया, इधर बचा 0, उधर बचा y+2/0, तो y = -2, ठीक है। ऐसे तीसरे वाले को बराबर करो, ये लो 2 से 2 कट गया, 2 और 2 4, और ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड 4 और 4 8, ये लीजिए बच्चों 1-2 and 8। चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक बच्चों क्या आ गया, 1-2 8,
इस तरह से हमें करना है। अभी प्रॉपर तुम सॉल्यूशन लिख लोगे अपनी भाषा में। तो आज के बाद अब देखो इसको हमने किस कॉन्सेप्ट से सोल्व किया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर पूरी लैंग्वेज तुम तुम्हारे हिसाब से लिखना, ऐसा मत करना एग्जाम में यूं ऐसे बराबर, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, ठीक है, तुम तुम्हारे हिसाब से करना आराम से। आ जाओ, ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से भी बच्चों इसने भी उसी तरह से निकाला है, ठीक है, लैंग्वेज देखते रहना आप, आगे बढ़ते हैं। डन। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल इसलिए होते हैं कि आप लैंग्वेज देख पाओ कि हमें इस तरह से एग्जाम में लैंग्वेज रिप्रेजेंट करनी है। सॉल्यूशन तो मैंने समझाई दिया ना तुम्हारे को, एग्री हो? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक हमारे को दिए हुए हैं, ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई याद करनी है। तो माध्यिका तो बच्चों तीन होती है, माध्यिका होती क्या है, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली रेखा यदि उस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, माध्यिका कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, एक त्रिभुज बच्चों, ए के निर्देशांक हमने रफली लिख लिया 0, 0, 6, ये तुम कहीं भी ले सकते हो, ए यहां भी मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो ना। बी के निर्देशांक बच्चों 0, 4, 0, वैसे बच्चों ज्योमेट्री को पढ़ने का तरीका, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने का ग्राफिकल तरीका भी होता है कि आप प्रॉपर प्लॉटिंग कर दो। जैसे देखो ये जेड अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है ना। सी हमने ले लिया 6, 0, 0, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ माध्यिकाओं की लंबाई, तो पहले माध्यिकाएं अपन ड्रॉ करते हैं ना। पहली माध्यिका हमने यहाँ से ये खींच दी बच्चों एडी, एडी माध्यिका की लंबाई निकालनी है। अब 10वीं क्लास में आपने ज्योमेट्री ढंग से पढ़ी हो तो बच्चों अपोलोनियस थ्योरम से भी निकालते हैं अपन, और उसके लिए दूरी निकालनी पड़ती है, वही बहुत आसान तरीका होता है। चलो आ जाओ, पहले तो हमें क्या निकालना है बच्चों, एडी की लंबाई निकालनी है। एडी की लंबाई निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे एडी, यहाँ पे तुम्हें माध्यिका की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, यानी कि जो जो बातें, एक एक बात, एक एक स्टेप आपको लिखने से पहले आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट आता है, या जो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ वो तुम्हें वहाँ पे अपनी भाषा में लिखना है ताकि एग्जामिनर आराम से उसको समझ पाए, ठीक है। तो बच्चों डी क्या होगा, डी इसका मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 + 6/2 = 3, 4 + 0/2 = 2, 0 + 0/2 = 0, ये लो। अब एडी की दूरी निकालनी है, निकाल लें, और ये दूरी का सूत्र लगा दो बच्चों, बहुत आसान है, 0 - 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आने वाला है, 6 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करें अपन बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का रूट बच्चों कितना आ गया 7। तो पहली माध्यिका की लंबाई बच्चों ने निकाल ली, 7 इज द राइट आंसर, एडी। चलो अब तुम वीडियो पॉज करके बाकी दो निकालो, तरीका तुम्हें पता लग ही गया, फिर वापस प्ले कर लेना। देखो मैथमेटिक्स तो ऐसे ही पढ़ी जाएगी, तुम्हारा और मेरा दोनों के बच्चों संयोग से, कैसे, जैसे मैंने ये बता दिया, अब इसके बाद तुम मेरा कहना मानो, वीडियो पॉज करके वास्तव में तुम उसको करो, दूसरी माध्यिका तुम निकालो, फिर वीडियो प्ले कर लेना, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हमने एक और माध्यिका खींच दी बच्चों बी ई, ठीक है। अब पहले ई के निर्देशांक निकाल लेते हैं, 0 + 6/2 = 3, 0 + 0/2 = 0, 6 + 0/2 = 3, 3, 0, 3, भाई इसका मध्य बिंदु होगा ना ई ए सी का, 6 और 0 को जोड़ो, 2 का भाग 2 = 3, 0 + 0/2 = 0, 6 + 0/2 = 3। अब बी ई की, बी ई की लंबाई हमें निकालनी है ना, तो ध्यान से देखो बी ई कर दें बच्चों स्टार्ट। आ जाओ, 0 - 3 का होल स्क्वायर + 4 - 0 का होल स्क्वायर, अरे बहुत आसान बातें हैं, फिर बच्चों क्या आ रहा है, 0 - 3 का होल स्क्वायर, वापस 0 - 3 का होल स्क्वायर, ये लो जोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बच्चों 16 और 9 कितने होते हैं 25, 16 और 9 25, 25 में वापस 9 जोड़ो, √34, तो √34 ये आ गई बच्चों दूसरी माध्यिका की लंबाई। अब चलते हैं बच्चों तीसरी माध्यिका की लंबाई पर, स्टार्ट करें। तो इसके लिए अपन इसका कलर एक चेंज कर लेते हैं बच्चों, ये लीजिए, ये हमारा सेंट्रोइड हो गया। तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, हालांकि यहाँ पे काम नहीं आ रहा लेकिन ध्यान रखना। सी एफ, अब एफ के निर्देशांक वही मध्य बिंदु 0 + 0/2 = 0,
जीरो प्लस चार बटा दो दो, छः प्लस जीरो बटा दो तीन, जीरो कोमा दो कोमा तीन, ठीक है आ जाओ। सी एफ बताओ निकालें, तो सी एफ की निकालनी है तो छः माइनस जीरो बट छः माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस दो का होल स्क्वायर, फिर प्यारे बाल को जीरो माइनस तीन का होल स्क्वायर। बस अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, छः का स्क्वायर छत्तीस, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, छत्तीस और चार चालीस, चालीस और नौ उनचास, उनचास का रूट सात। तो बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान है, अब सॉरी इसकी दो माध्यिकाओं की लंबाई समान है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, सॉरी मैं लगा हमने साइड्स निकाली, अपने शब्दों को वापस लेता हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, दो माध्यिकाओं की लंबाई समान है, क्वेश्चन ने क्या पूछा, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई निकालो, हमने निकाल दी, आ जाओ चेक कर ले क्या बच्चों। इसी तरह से ये भी कर रहा है रूट चौंतीस, सात और सात ख़त्म, तो कर लोगे आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों खुद से करो, अब सारी बातें टिपोगे क्या, लैंग्वेज खुद से लिखो। देखो इस तरह से मैंने तुम्हें पूरी न्यूमेरिकल स्टेप्स सारी बातें समझा दी, अब तुम आराम से तमीज से एक एक बात को लिखते चलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है, सभी बालक पढ़ें। एक त्रिभुज, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक, बच्चों केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिश्री बिंदु, मूल बिंदु है, यानी कि उसका केंद्रक बच्चों मूल बिंदु है। अब हमें पता है किसी भी त्रिभुज में केंद्रक के निर्देशांक बच्चों क्या होते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे थ्री, बोलो हाँ या ना, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे थ्री, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बटे थ्री। अब देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, तुम आराम से लिखना, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होते हैं ना, यदि शीर्ष एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री है तो, अच्छा शीर्ष इसने दे दिए टू ए टू सिक्स क्यू आर, तीनों के शीर्ष दे दिए, ए बी सी का मान पूछ रहा है। चलो एक बार डायग्राम बनाते हैं अपन, ध्यान से देखो, ये हमारा त्रिभुज है बच्चों पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा पी के निर्देशांक है बच्चों क्या क्या है, ध्यान से देखना, टू ए कोमा दो कोमा छ, ठीक है, क्यू के हैं माइनस चार, थ्री बी और माइनस का टेन। बच्चों पुस्तक तुम्हारे पास है ना, आराम से देख लेना, यहाँ पे कोमा लगा लेना अपने आप। आर के निर्देशांक है बच्चों आठ चौदह और टू सी, ए बी सी का मान निकालना है। अब बहुत आसान हो गया, तुम खुद भी कर सकते हो, देखो कैसे, पता है तुम्हें मैं क्या करने वाला हूँ, हमें पता है केंद्रक के निर्देशांक, ये हमारा केंद्रक हो गया बच्चों ना, वो ले लो इसको, और एक केंद्रक ये बन गया। अब हमें पता है बच्चों केंद्रक के निर्देशांक हमारे को बिल्कुल भी दिए हुए नहीं है, लेकिन ये उसने बोल दिया कि मूल बिंदु है, यानी कि उसने इनडायरेक्टली दे दिया। तो बच्चों कहने का मतलब केंद्र के निर्देशांक मूल बिंदु हैं, तो ये आ गया जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, पर मूल बिंदु के तो यही होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यानी कि इसको भी जीरो के बराबर करो, इसको भी जीरो के बराबर करो, इसको भी जीरो के बराबर करो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, अब अपन क्या करने वाले हैं, हमें केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। केंद्र के निर्देशांक हम ऐसे भी निकालें और उसको जीरो के बराबर कर दें, एक्स वन की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखना, टू ए, एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस चार, एक्स थ्री की कितनी है आठ बटे तीन, और ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, यहाँ से ए आ गया, बोलो हाँ या ना। आगे देखते जाओ, एक एक बात निकालते हैं फटाफट फटाफट। वाई टू, ये बच्चों टू और सिक्स है ना, तो वाई टू प्लस सॉरी वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे तीन, ये भी जीरो के बराबर है। चलते हैं तीसरे वाले पे, कोई चिंता की बात ही नहीं है, ध्यान से देखो तीसरा वाला क्या जाएगा, सिक्स माइनस टेन प्लस का टू सी बटे तीन बराबर जीरो। अब यहाँ से तुम ए बी सी के मान निकाल लो, यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो निकाल ले बच्चों ध्यान से देखना। यहाँ से निकालें तो बच्चों ये तो जीरो हो गया, आठ में से चार गया तो चार, बोलो है ना, चार उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए का मान आ गया माइनस का दो। कैलकुलेशन कर लेना भाई तुम आराम से, आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब जीरो हो गए, चौदह और दो सोलह, तो माइनस का सोलह बटे तीन, ये बी का मान आ गया माइनस का सोलह बटे तीन, ठीक है। चलते हैं सी पे, ये तो जीरो हो गया बच्चों, दस में से आ गया तो माइनस का चार, इधर आ गया प्लस का चार, यानी कि सी का मान आ गया दो। ये लो बच्चों मुबारक हो, बहुत आसान बात थी,
ठीक है, मैच कर लेते हैं। माइनस का दो माइनस का 16/3 और दो, माइनस का दो माइनस का 16/3 और दो। बच्चों ये केवल, ये अपन इसलिए मैच, ये मैच करने से मतलब है एक सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हें सॉल्यूशन दिख गया जिस तरह से तुम्हें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एग्जाम में हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जामिनर को एक एक स्टेप तुम्हें समझानी पड़ेगी कि ये मैंने क्यों लिखा, इसके बाद ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा। यानी कि आप एक बात बच्चों गौर करो, मैं कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप लिख रहा हूँ उससे पहले कुछ बोल रहा हूँ ना, जिससे तुम्हें बात समझ में आ रही है। अब यहाँ तो मैं बोल के समझा रहा हूँ, तुम एग्जामिनर को बोल के कैसे समझाओगे? भाई गणित में हम कुछ भी लिखते हैं तो उसके उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना अंदर, जिससे हमें बात समझ में आती है। वो बात तुम्हें शब्दों में व्यक्त करनी है अपनी भाषा में, इसलिए टाइप्ड सॉल्यूशन होते हैं कि आप आराम से उस भाषा को देख सको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं, अपनी भाषा में जो भी तुम्हें समझ में आया बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? वाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। बच्चों जहां पे क्वेश्चन पढ़ते हो ना वहीं पे दिमाग लिंक हो जाना चाहिए। वाई अक्ष पर, सर अगर वाई अक्ष की बात कर रहा है तो 0, y, 0 ये इसके निर्देशांक हो गए, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे भाई, क्या हो गया इसमें। इसकी बिंदु P से दूरी, जिसकी बिंदु P है ना, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, यानी कि AP 5√2 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि हमें वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, बस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, पी ए, क्वेश्चन ने क्या बोला कि दूरी है ना पी ए, जो दूरी है वो है 5√2, तो दूरी का फॉर्मूला लगा दो जनरल, क्या होता है बच्चों बताओ? 0 - 3² y + 2² और 0 - 5² और बराबर में बच्चों कितना है? 5√2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, नॉर्मल कैलकुलेशन है जैसा तुम करते हो, इसके बाद तो मेरी आवश्यकता है भी नहीं तुम्हारे को, तुम खुद कर सकते हो। यह आ गया 9, इसको एक्सपेंड करो, y² + 4 + 4y + 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 50, नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाओ। अच्छा देखो, y² + 4y, 9 और 4 13, 25 और 13 38, 50 - 12 - 12, इधर ले जाओ, बराबर 0। इसके बाद तो बच्चों नॉर्मल द्विघात समीकरण जो तुम बचपन में पढ़ते थे बच्चों, बिल्कुल वैसा ही सोल्व करना है। टुकड़े कर लो, y² + 6y - 2y -12 = 0, इधर से y कॉमन लो तो y + 6, इधर से -2 कॉमन लो तो y + 6 = 0। बच्चों y के दो आंसर आ गए, एक तो -6 और एक +2, तो वो निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएंगे? एक निर्देशांक बच्चों हमारे पास हो गया, ध्यान से देखना, एक तो -6 लूँ मैं तो 0 - 6 = 0, और एक बच्चों 2 लेने पर क्या हो जाएगा? 0, 2, 0, खत्म। वाई अक्ष पर ये उन बिंदुओं के निर्देशांक है जिसकी बिंदु P से दूरी 5√2 है, दो पॉइंट हमारे पास होंगे, ठीक है, जो सम दूरस्थ होंगे। मैच कर लेते हैं, उसी तरह से किया है बच्चों, बस ये टाइप्ड सॉल्यूशन आपको लैंग्वेज पहचानने के लिए। बढ़े थोड़ा सा आगे, चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है? घबराना नहीं है, इसने तो हिंट भी दे दिया बच्चों। पी क्यू को मिलाने वाली रेखा, ध्यान से देखना, पी क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित बिंदु आर का एक्स का निर्देशांक 4 है, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि पी क्यू को मिलाने वाली रेखा, ये लो पहले पी क्यू खींचो बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, हाँ ये पी क्यू, पी के निर्देशांक बच्चों कितने हैं? 2, -3, 4। क्यू के निर्देशांक बच्चों कितने हैं? 8, 0, 10, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्थित एक बिंदु आर है भाई, भी मान लो इसका एक्स का निर्देशांक 4 है, बाकी नहीं पता, ये से बोल रहा है ना, ठीक है। तो हमने ले लिया y, z, आगे बढ़ो, तो R के निर्देशांक ज्ञात करो, बस R के निर्देशांक ज्ञात हमें ज्ञात करना है, हमें इसके हिंट की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। देखो इसने बोला K रेशो 1 में विभाजित करता है, और हम जनरली अब तक क्या मानते आ रहे हैं, M रेशो N में विभाजित करता है, हमने ऐसा मान लिया क्योंकि M रेशो N ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, ठीक है भाई। मैं तुम्हें अगर M रेशो N से सारे क्वेश्चन समझाता आ रहा हूँ तो M रेशो N से समझाऊंगा, ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो, K रेशो 1 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले अपन X वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं जिसकी वैल्यू दे दी इसने पहले 4, क्या होता है बच्चों ध्यान से देखो, m x2 + n x1 का मान कितना है? 2/m + n, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 4m + 4n
बराबर 8m प्लस 2n। यहां से बच्चों m रेशो n तुम आराम से निकाल सकते हो, देखो चार इधर ले जाओ तो 4m और ये दो उधर ले जाओ 2n, तो कुल मिला के बात ये है m बटा n बच्चों कितना गया 1/2, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। जो पहली इन्फॉर्मेशन गई थी उससे m और n आ गया, अब बाकी दो निर्देशांक हम आराम से निकाल लेते हैं, m का मान एक है और n का मान दो है, ठीक है। तो निकाल लेंगे, अब तो समझ आ गया ना सभी के। तो बच्चों क्या करने वाले हैं इसमें ध्यान से देखो अपन, दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट ये कैसा आ जाएगा, m y2 प्लस n y1 कितना है माइनस का 3 बटा m प्लस n। ये लो बच्चों ऊपर आ गया माइनस का 6, नीचे आ गया 3 यानी कि माइनस का 2, ठीक है। तो बच्चों ये देखो क्या क्या आ रहा है, 4 माइनस का 2 जेड वाला निकालना है ना, अभी निकाल लेते हैं, ऐसे चिंता मत किया करो, तुम बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बालकों। जेड एम जेड टू कितना है 10 प्लस एन, अरे पेन को भी लेके बैठना, जेड वन बच्चों जेड वन है 4 बटा एम प्लस एन, तो बच्चों आ गया 10 प्लस 8/3 18/3 6। ये लो लगा दो यहाँ पे वाइट मार्कर से ले लो, आगे आर के निर्देशांक 4, -2, 6 देख लेते हैं, 4, -2, 6। अब तुम्हारा मन करेगी हमें के रेशो 1 मान के करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्यूशन बिल्कुल सही सही है, कोई छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक हो तो मैथमेटिक्स के बच्चों तुम इग्नोर कर देना, ठीक है। तो बात समझ में आएगी बच्चों, पक्की बात है, बढ़े थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 पे, फिर इस प्रश्न के बाद विविध प्रश्नमाला की समाप्ति होगी बच्चों। बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं, चर बिंदु पी द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए, एक रिलेशन हमें दे दिया कि पी और ए के बीच की दूरी का वर्ग प्लस पी और बी के बीच की दूरी का वर्ग बराबर होगा के स्क्वायर, जहां के एक अचर पद है यानी कि के की फॉर्म में एक समीकरण बच्चों बन रहा होगा हमारे पास, बना लेते हैं, ऐसा प्रश्न पहले भी अपन ने किया है। तो बच्चों पी के निर्देशांक हमने मान लिए बच्चों x, y, z, तो पहले पी ए निकाल लो, ठीक है। पी ए डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी हमारे पास, ध्यान से देखना, ये ए हो गया तो 3 - x² + 4 - y² + 5 - z² पी ए स्क्वायर के लिए रूट गायब कर देना। पी बी बच्चों पी बी डिस्टेंस हमारे पास क्या होने वाली है, ध्यान से देखो -1 - x² फिर क्या आएगा 3 - y² फिर क्या आएगा बच्चों -7 - z² तो बच्चों पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्रश्नानुसार ऐसा प्रश्न बोल रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं अब ध्यान से देखना, पी ए स्क्वायर ये आ गया 3 - x² 4 - y² 5 - z² ये पी ए स्क्वायर आ गया प्लस पी बी स्क्वायर, ये नेगेटिव हटा भी सकते हो तुम क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन कर लो बच्चों तुम, अब 3 - y² -7 - z² बराबर में बच्चों के स्क्वायर, अब सभी बालकों को a + b² और a - b² आता है, एक्सपेंड करो इस तरह से सुख दुख पाना बच्चों। देखो यही अपन ने किया, कैलकुलेशन ढंग से करना, सबको एक तरफ लेके जाना, एक इस तरह से एक समीकरण हमारे पास बन जाएगा। तुम्हारा मन करे तो यहाँ पे छोड़ दो, तुम्हारा मन करे तो यहाँ पे छोड़ दो, कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो। इसके बाद इसमें कुछ समझाने लायक तो नहीं है ना, समझाने वाली स्टेप्स केवल इतनी सी थी, इसके बाद अपने आप करो, क्योंकि इतने सारे प्रश्न मैंने आपको पूरे ढंग से करके दिखा दिए, कैलकुलेशन ही तो करनी है बच्चों, तो प्रॉपर कैलकुलेशन करो, उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। इन सभी प्रश्नमालाओं की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जो मैंने तुम्हें रफ कॉपी बनवाई है, रफ कॉपी क्यों बनवाई, केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें फेयर कॉपी के लिए बोला, क्यों, ताकि तुम एग्जाम में जिस तरह से तुम्हें लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन लिखने हैं उस तरह से आप उसमें लिखो, क्योंकि खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन बच्चों तुम 10 साल बाद भी पढ़ोगे ना तो बिल्कुल वही पल याद आ जाएगा जिस समय तुम लिख रहे थे। अब पिछली प्रश्नावलियों का रिविजन भी करते रहो संडे की संडे, टाइम निकाल के आराम से, ठीक है, खूब सारी प्रैक्टिस करो, वीडियो सारे तुम्हारे पास हैं, पूरा कंट्रोल हमारा तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मर्जी हो जितनी बार वीडियो देखो, कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, लेकिन बिना पेन कॉपी के यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। हर एक स्टेप के बाद जब भी एक दूसरा क्वेश्चन चेंज होता है, स्लाइड चेंज होती है, आपको वीडियो पॉज करके उसको एंड टू एंड सॉल्व करके देखना है। मैथमेटिक्स
मैं केवल अकेला तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तुम्हारी भी पढ़ने की नीयत होगी तो तुम पढ़ पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में पेन चलाना पड़ता है हर एक स्टेप में। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं बच्चों अगली प्रश्नमाला में। ये प्रश्नमाला समाप्त होती है। ऑल दी बेस्ट, खूब खूब आशीर्वाद, बढ़िया पढ़ाई करें। धन्यवाद।